आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, अज्ञानता, राग और देश। भाई और बहनों, आज हम ज्ञान और अज्ञान की बात करेंगे कि जो ज्ञान है वो अगर वस्तु तक क्या चीज है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, उपयोग लक्षण हो जीव है। इस जीव का, इस आत्मा के जो 23 नाम है उसका लक्षण जो है उपयोग बताया गया है। उपयोग क्या है? वो है हमारा ज्ञान और दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है देखना। प्रथम दृष्टवा किसी को देखते हैं तो वो मात्र देखना हुआ, और फिर उसके बारे में हम डिटेलिंग करते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या करता है इत्यादि, वो ज्ञान कहलाता है। तो आज हमारा जो विषय है वो ज्ञान और अज्ञान है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। यानी सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, जो बेसिक फंडामेंटल बात है, जो सनातन सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सार्वभौम सत्य है कि मैं कौन हूँ, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। हम दूसरे को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दूसरी गज से नापते हैं, दूसरों की गज से नाचते हैं। हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं। एक छोटा बच्चा भी जब इंटरनेट को, गूगल को खोलता है, कोई भी बात हम उसे बोलता है उसमें डाल करके वो फट रिजल्ट निकाल देता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन वास्तव के अंदर इस दुनिया के अंदर सैकड़ों तरह की, हजारों तरह की विद्याएं हैं, भौतिक विद्याएं भी, आध्यात्मिक विद्या भी है, और सबसे बड़ी विद्या है वो आत्मविद्या, वो है आत्मविज्ञान। आत्मा का रियल ध्यान करना, मैं कौन हूँ अपने अस्तित्व की जानकारी करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और अज्ञान क्या है कि व्यक्ति मान लेता है मैं तो शरीर हूँ, मैं और मेरा में उलझ जाता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मैं पति, मैं पत्नी, और जो है मैं बहुत बड़ा राइटर, मैं बहुत बड़ा जो है वो लेखक, मैं बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा कवि, मैं और मेरा में उलझ जाते हैं, कर्ता भाव में आ जाता है, ये काम मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, और जो है मंत्रिमंडल को मैंने बनाया, मंत्रिमंडल का विस्तार मैंने किया, और जो इतनी संपत्ति, जितना कॉर्पस फंड मैंने बनाया, इतनी संपत्ति मैंने इकट्ठी करी, ये मैं और मेरा है, ये कर्तापन को बताता है। और ये कर्तापन सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी वेल्डिंग है, और ये वेल्डिंग ही हमारे को भव भवांतर के अंदर घुमाती रहती है। तो प्रश्न ये है कि हमने ज्ञान और अज्ञान को समझा। अब ज्ञान की बात करें तो ये जो हमारा राग द्वेष है वह सबसे बड़ा ज्ञान है। और राग द्वेष की जो प्रतिरोधात्मक पंक्ति, समता, संभाव, वह हमारा ज्ञान है। यानी संभाव ज्ञान है और राग द्वेष अज्ञान है। राग द्वेष क्या होता है कि वो विषमता पैदा करता है, वो विभाव पैदा करती है, और संभाव होता है वह स्वभाव पैदा करती है। संभाव इज इक्वल टू स्वभाव, और जो है हमारा ये राग द्वेष इज इक्वल टू विभाव। स्वभाव में रमण करो, ये हमारा पुरुषार्थ है, और ये हमें मुक्ति की ओर लग ले जाता है। ये रियल पुरुषार्थ है। जो ज्ञानी पुरुष, जो सद्गुरु हमको ज्ञान दे देते हैं तो यही ज्ञान देते हैं कि तुम अपने आप में ये चिंतन करो कि तुम मात्र शरीर नहीं हो, वेद विज्ञान करो, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर जड़ है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर साधन है, लेकिन मैं तो अजर अमर, ज्ञाता दृष्टा, अजन्मा अमूर्त, जो है शुद्ध आत्मा हूँ, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। जब हम इस तरीके का चिंतन करते हैं, राग द्वेष मुक्त होकर के चिंतन करते हैं, तो हमारे कर्मों का कोई बंधन नहीं होता है। और जो है मैं आपको बात करूं वेदांत की भाषा के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति विदेह हो जाता है, वो शरीर धारण, शरीर रूप में रहते हुए भगवान का रूप हो जाता है। कि विदेह कैसे होता है, विदेह किसे कहते हैं, विदेह उसलिए उसको कहा जाता है कि वो शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं करता, वो कायोत्सर्ग की अवस्था में रहता है कि ये शरीर मेरा नहीं है,
मेरा तो अस्तित्व है, आत्मा है, और शरीर जो मुझे मिला है ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और इससे मेरा छुटकारा तभी होगा जबकि पूरा भुगतान पूरा हो जाएगा। यानी हमारा मन वचन काया जो है ये संपूर्ण भुगतान पूरा करके और उसके बाद के अंदर जो है ये आयुष्य कर्म के अधीन जो मुक्त हो जाएगा, तब जाकर के शरीर का विलीन होगा और हमारी आत्मा नया जन्म ले ली। हमें पुरुषार्थ ये करना चाहिए, एक दोनों को अलग करना, राग द्वेष को अलग रखना और हमारा संभाव को अलग रखना जो है वो, ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। तो भाई और बहनों, हम जो है इस ज्ञान अज्ञान को जो है हमारी भारतीय संस्कृति के हर धर्म दर्शन ने माना है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, कर्मों में विश्वास करते हैं, क्योंकि कर्म बंधन का जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है और कर्म ही राग द्वेष है, यही अशुद्धि है। एक्चुअली है कि हमारी ये शुद्ध आत्मा मुक्ति को क्यों नहीं जा रही है कि इसके ऊपर राग द्वेष रूपी कालिक पड़ी है, राग द्वेष रूपी कर्म रज पड़ा हुआ है, इसको धोना है, उसकी सफाई करनी है, और जब उसकी सफाई हो जाएगी तो ये आत्मा मुक्त होकर के और हम जो है अपने स्वरूप में चले जाएंगे, अपने स्वभाव में चले जाएंगे। इसीलिए हमें स्वभाव में रमण करना चाहिए, हमें हमारे अस्तित्व में रमण करना चाहिए, विभाग से दूर रहना चाहिए। राग द्वेष विभाव है, इसको हमें छोड़ना है। वही आज का टॉपिक है कि विभाव को छोड़ो, स्वभाव में आओ। स्वभाव संभाव है और राग द्वेष विभाव है। तो भाई और बहनों, ये कितना सुंदर टॉपिक है कि हम राग द्वेष से दूर रहें। अब राग द्वेष होता कैसा है? ऐसा है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इससे हमारा अंतःकरण बनता है। तो हम एक एक घटक को थोड़ा लेवें, ये इसीलिए लेना है कि राग द्वेष कैसे पैदा होता है और राग द्वेष से संभाव कैसे लाया जा सकता है। तो मन को लेवें तो मन जो है, मन मनन करने वाले को मन कहते हैं। मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। केवल जब मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, तभी मन प्रोड्यूस होता है।